इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल एक वो यही था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो जी अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। इट इज अनफॉर्चुनेट, सोहेब, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। इंडिया बैशिंग इज अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और इससे लोगों के घर और चूल्हे जलते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो डाउट दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओज तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस। मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली, जिसमें आपके कोई मिनिस्टर किसी कॉलेज में स्पीच दे रहे हैं, ही वॉज अ चीफ गेस्ट, वहां भी उनके मुंह से गालियां निकली वाइल गिविंग, लाइक यू नो, वेरी बात करते करते ऐसी गाली निकल गई। आई हैव ऑल्सो सीन जो कश्मीर के इस वक्त जो वजीर आला है, वो भी जब मीडिया से बात करते हैं तो बीच में उनके मुंह से गाली निकल जाती। आई मीन, जब आप सोचिए ना, जब इमरान खान की बात होती है तो यंग लड़कियां कहती हैं कि ही सो हैंडसम, आई वॉन्ट टू सी हिम इन द बेडरूम। इस तरह की कुछ जहनियत हो चुकी है आप लोगों की, इट इज वेरी बैड। और उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान ने उसी लड़की के बारे में किस तरह से बात की, अगेन इन ओपन पब्लिक, आर यू अंडर? के हवाले से बात करेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में है। मुझे ये बताएं, चाइना ने अभी खबर आ रही है कि बोला है कि शायद वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे, G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहूँ, मतलब चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, इस बार जो G20 की समिट है, उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? हाँ, कश्मीर में ज्यादातर तो टूरिज्म में ही फोकस होगा, लेकिन कोर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, मुद्दे हैं यू नो ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को COVID-19 जैसा वायरस दिया, वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहां पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और रही बात बहुत सारे मुस्लिम मेंबर नेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छा तो अब चाइना तो अपने मुस्लिम, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इज्जत ही नहीं देता है, तो वो क्या मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात क्या करेगी ऐसी कंट्री? वैसे भी आकर करेगी क्या? और ठीक है दूसरा, चाइना पता है कभी बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। इट्स साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती है, इट डजंट लुक नॉर्मल। और आपने सिर्फ चाइना की बात की, वैसे दूसरी भी कंट्रीज हैं। खैर, आप मुझे सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ चाइना की बात की तो मैंने चाइना का आपको बता दिया। ठीक जी है। नहीं, मैंने चाइना से स्टार्ट किया। आपने बोला बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आ रहे हैं। सऊदीया, जिसके बारे में कहा ये जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेके भी खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। जो इंडिया में शायद उनके डिप्लोमेट्स हैं वही बस जाएंगे G20 में कश्मीर में, और अदरवाइज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि टूरिज्म वहां पर बूम हो। और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट
अगर उन्होंने ये किया. वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, यू नो, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है. तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा. और दूसरी बात, देखिए, चाइना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है. दैट्स द रियल रीजन, ठीक है ना? डेफिनेटली चाहे एप्पल स्टोर इंडिया में खुल जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया जो है ट्रेन सप्लाई करना, या ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का पूरा बूम जो चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अब इंडिया से खरीदने लगी, ठीक है, बनस्बत चाइना के. तो इसकी वजह से चाइना इंडिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर की वजह से, ठीक इंडिया है के एग्जिस्टेंस की वजह से. तो चाइना तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरा ही इंडिया डिस्प्यूटेड लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. यार, रही मैंने बात इस्लामिक कंट्रीज की, आपने बात की, तो रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आप दो इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चार जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते. ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है, मेरे ख्याल से और दो तीन हैं जो विच आर मुस्लिम कंट्रीज जो आ रहे हैं, उनका तो अपना बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हो जो नहीं आना चाहते. टर्की, देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है. हालांकि प्रेसिडेंट सीसी जो है वो मोदी जी से मिले और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट से टेररिज्म खत्म हो जाए, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इजिप्ट में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है और इवन टर्की में इस वक्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है प्रोपेगेंडा करने की वजह से. और प्रोपेगेंडा से क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डोनेशन आता है, चाहे वो फलस्तीन के नाम पे आया है, ज़कात जो आता है, चाहे वो कश्मीर जिहाद के नाम पे आए. तो अब कश्मीर जिहाद ही नहीं रहेगा तो उनके पॉकेट में धक्का लगेगा भाई. जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है, जो चंदा उनको मिलता है जिससे उनका घर चलता है, वो कुछ काम तो करते नहीं आते जो ये लोग हैं, जो इजिप्ट तो अड्डा है ना मुस्लिम ब्रदरहुड का. तो आप समझ सकते हो, ये सारे लोग अपना पैसा ज़कात पे चलाते हैं अपना घर, जो फलस्तीन और कश्मीर जिहाद के नाम पे आते, तो ऑब्वियसली उनको ये तकलीफ होगी. और जो वहां की जो हुक्मरान है वो अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं. सो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये लोग नहीं आ रहे हैं. और सऊदी ठीक अरेबिया जो है वो एक, वो कहते हैं ना, धर्म युद्ध में फंसा हुआ है. हालांकि वो चाहता है कि चाहे इंडिया हो या इसराइल रिलेशन अच्छे हो, जो अभी जो एमबीएस है, जो उनके रूलर हैं, उनके किंग, ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, ही इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल रूलर. लेकिन कभी कभी वो होता है ना, मौलवी मुतव्वे लोगों के बीच में दब जाते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान भी दबा हुआ है अभी तक. तो ये चीजें होती है. सो वी अंडरस्टैंड दैट जब आप मौलवी मुतव्वों को इतना पावर देंगे तो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो इट्स अ फैक्ट. जी अच्छा, या ना मैंने आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदिया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया, ये विजन का कोई फर्क है, पीएम मोदी की भी जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है. लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक औहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस. अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था. बिल्कुल एक यही वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो जी, अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर. जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए. तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे. वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना. तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम. जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम. जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था
कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम, हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो डाउट दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, Fortune 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं। सीईओज तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है, चाहे वो चाइना भी है इससे। लेकिन हम कभी कहीं कह नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ सफिशियंट रहे हैं। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से जो है सामने लाया है कि भाई आप लोग कोई भूखे नंगे लोग नहीं, आप लोग एक सुपीरियर रेस हो। ये चीज हमें याद दिलाई है मोदी नो जी की डाउट, गवर्नमेंट। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, आज से 10-15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो इन कंट्रीज के लोग फॉरन जाने में फखर महसूस करते थे, प्राउड फील करते थे, इवन किसी गोरे के साथ सेल्फी लेने में प्राउड फील करते थे। लेकिन जब से इंडिया में इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, आज इंडिया के लोग, इंडिया की यूथ खुद ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम ब्रांड हैं, हमारे नो, साथ आई कांट हियर यू। बेहतर करना है करे, जिसको रिलेशन बेहतर नहीं करना ना करे, इस बात में कोई शक नहीं। या ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक साइड पे आप ये कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, कश्मीर के लोग हों और कश्मीर की गवर्नमेंट हो, इंडिया की गवर्नमेंट हो, इंडिया के फोर्सेस हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरे साइड पे अभी आपका ही मीडिया ये दिखाता नजर आ रहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है G20 को लेकर। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? देखिए, हम तो G20 की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में तो क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। आप सोचिए ना, आप देखिए ना, हमारा हमसाय मुल्क कौन है? हु इज द नेबरिंग कंट्री? कश्मीर के साथ बॉर्डर किसका है? तो समझा कीजिए, हमें जो है G20 वालों को दिखा, हम कश्मीरियों को ही G20 वालों को दिखाना है। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, हमें उनके दिखाना है कि आप लोग यहाँ सेफ हो, डोंट वरी, यहाँ पे जो है हमने सिक्योरिटी अच्छे से तैनात करके रखी। ये हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक आम कश्मीरी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा हादसा हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कश्मीर जिहाद के नाम पे चंदा मांगने वाले बहुत लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि कश्मीर में नॉर्मल सी दिखे, तो वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ खराब करने की। लेकिन एक आम कश्मीरी नहीं चाहता है कि कुछ कोई भी चीज बिगड़ जाए, कोई भी हादसा कहीं भी हो जाए, जिसकी वजह से ये जो डेलीगेट्स हैं ये आके फिर इनको लगे कि नहीं भाई, कश्मीर तो हमने कश्मीर से हाथ ऊपर कर दिया, हम यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, हम यहाँ टूरिज्म भी नहीं करेंगे, हमें कश्मीर से कुछ यहाँ सेफ नहीं है। ठीक है, अगर लोगों ने इस तरह का, अगर हमारे कश्मीर का रेपुटेशन ऐसे हो गया, तो इससे नुकसान हमें होगा, आप लोगों को तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग मुझे लगता है आप लोगों को हक नहीं है ऐसे पूछने का कि आपने सिक्योरिटी क्यों बढ़ा के रखी। इसलिए बढ़ा के रखी क्योंकि हम नहीं चाहते, एक आम कश्मीरी नहीं चाहता कि फिर से उसकी कश्मीर, उसकी सरजमीन की बदनामी। जी जी बिल्कुल, आपकी अपनी ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि हमें हक नहीं है तो नो डाउट हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साइड पे अगर आप ये कहेंगे कि हमें हक नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और दूसरे साइड पे अभी कल की आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने नाम लिया, आपने न्यूज सुनी होगी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना, लेकिन नियरली और नेबरली रिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन यह है कि वो टेररिस्ट के ऊपर जो उनसे काम करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है टेररिज्म को पाकिस्तान की तरफ से। तो
तो एक साइड पे आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम रिलेशन बेहतर चाहते हैं, दूसरी साइड पे अगर आप स्टेटमेंट ऐसी देते हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे? नहीं, स्टेटमेंट से तो ना बेहतर होंगे ना बिगड़ेंगे। अगर आपको अच्छा वाकई में करना है तो सिर्फ मोदी जी के बोलने से या मेरी अच्छी बातें करने से या मेरी ये बोलने से कि सोए प्लीज आस्क मी मोर क्वेश्चंस, ये बोलने से भी बेहतर नहीं होगा। बेहतर कब होगा? रिलेशंस बेहतर तब होगा जब पाकिस्तान हमारे हवाले उन लोगों को कर देगा जिन्होंने हमारी सरजमीन पे टेररिज्म किया है। अगर आप लोग उन लोगों को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो, आपको पता है मुझे उनके नाम लेके उनको पब्लिसिटी नहीं देना है, लेकिन आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। आप उन लोगों को हमारे हवाले करने के लिए अगर तैयार हैं तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बस हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको बचा के रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी हो। अगर मैं इस उनको आप बात से लोग हमारे 100% हवाले एग्री हाफिज सईद करता हो, हूँ। हाफिज सईद हो, सुनिए मेरी बात, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जो भी हो, उनको आप लोग बचा कर रखते हैं, उनको पनाह देते हैं, क्यों फिर आप कहते हैं कि आपको हमारे साथ दोस्ती करनी है? या ना बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, आप इसका क्या आंसर करेंगे? मैं इसका एक ही आंसर करूंगी कि अपने हमसायों को ठीक से जानो। हम लोगों को दान देने वाले लोग हैं, ठीक है ना, हम लोगों को हेल्प, हम अपना पैसा जो है ना, सी इंडियंस इतने इजीली पैसा निकालते नहीं है पॉकेट से, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे भाई कहीं पे टेररिज्म करवा के, क्यों क्यों करें? हाँ, लेकिन जब इतना इत्मीनान रखिए, जब आप लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे हर एक जगह, चाहे वो बलूचिस्तान ही क्यों ना हो, इट्स नॉट ओनली बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में भी हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे वो सारा कुछ इंडिया करा, इंडिया अपने पैसे इस तरह जाया नहीं करता, इंडियन कोई भी इंडियन अपने पैसे इस तरह जाया नहीं करते। हमें बनिया ऐसे नहीं बोलते, हम सारे के सारे बनिए नहीं है, लेकिन हमें फिर भी बनिया बोला जाता है क्योंकि हम पैसे जाया नहीं करते इन सब फजूल चीजों में, ठीक है ना, कहीं पे टेररिज्म करो कहीं, हाँ, लेकिन जब टेररिज्म का पहाड़ आप लोग सह नहीं पाओगे और फाइनली 4 टुकड़ों में टूट जाओगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हम मदद जरूर करेंगे। जी अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है इससे इन फ्यूचर बहुत से खतरात सामने नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली गिलगित बल्तिस्तान में हु या नॉट पाकिस्तानी के नारे लग रहे हैं, बलूचिस्तान में जो सेपरेशन की मूवमेंट है वो चल रही है। तो इस तरीके से हम जज्बाती बात तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो याना कह रही है मुझे उनसे एग्री करना पड़ेगा। ये बताएं याना कि देखें, सोशल एक्टिविस्ट का बहुत हाथ होता है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, इसके अलावा जर्नलिस्ट का बहुत हाथ होता है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, यूट्यूबर्स का, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका बहुत हाथ होता है पब्लिक की सोच बदलने में। आप मुझे गाइड करें, आप एक यंग जर्नलिस्ट हैं, मुझे गाइड करें हमें ऐसा क्या करना चाहिए। देखें हम आपसे मशवरा तो ले सकते हैं कि वो भी नहीं आप देंगे हमें, तो मुझे नहीं, बता देखिए मैं मुझे एक बात बताऊं, दिल से देखिए, दिल से हम, कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़े में टूट जाए या पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, कोई इंडियन ऐसे नहीं, क्योंकि हम सब कर्मा में यकीन रखते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी का बुरा चाहा तो वो बुरा हमारे साथ होगा। लेकिन इतने हद तक हमें इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, खास करके जो हमारे हिंदू भाई बहन है, कभी बोला जाता है कि वो गौमूत्र पीने वाले हैं, कभी बोला जाता है कि वो ये है वो है, मतलब इतनी बुरी तरह से उनको ट्रोल किया जाता है कि वो भी फिर इसी चीज में लग जाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान का ईगो हम बैश करें, ये बिल्कुल। चीज होता है। तो ये एक ईगो गेम चल रहा है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो हम में से कोई नहीं चाहता कि जो देश, एक देश जो खास करके जो देश हमारा हमसाय मुल्क है, वो बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि पूरा, और बार बार जब आपने खुद कहा कि मोदी जी ने कहा हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनको अच्छे से इज्जत बख्शी गई थी जब वो आए थे यहाँ पर गोवा, तो जब हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ, बार बार एक ही चीज बची है कि मुझे नहीं समझ आता कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फलाने फलाने जो भी सेलिब्रिटीज हो आपकी यहाँ की, क्यों वो एंटी इंडिया बोलते हैं? जिस दिन वो एंटी इंडिया बोलना बंद कर दे, या फिर जिस दिन आपकी आवाम उनको चुप कराना शुरू कर दे कि थिंक ऑफ गुड रिलेशंस विथ नेबर, उनको बैश करके अपना ईगो बढ़ाने की, अपने आप को ना एक ईगो बूस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फेल हो चुके हो इस चीज में। जिस दिन पब्लिक उनको, आप जैसे लोग
उठ के ऐसे सेलिब्रिटीज को ओपनली बैश करने लगे कि कुछ और बात करे, कोई प्रैक्टिकल बात करे जिससे आवाम का फायदा हो, तो तब जो है ये चीजें बंद होंगी जी। ये मतलब जो बिल्कुल रिलेशंस आप चाहते हो जी, ये तब हो सकता है, तब लोगों की जो जहनियत ऐसा है ही ये है। तब बदल लेकिन सकती है। इशू ये होता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमें एजेंट कह दिया जाता है, हम लोग बात करते हैं तो बहुत से ये कहा जाता है फंडिंग है। नो डाउट हमारे घर का मसला है। अगर आज चले इंडिया को एक मिनट के लिए हम छोड़ते हैं जी, इंडिया में हिंदू हैं इसलिए हम रिलेशन नहीं, वो आपकी आवाज फिर हमारे लिए अटक अच्छा नहीं सोचते, हम रिलेशन नहीं चाहते। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? ईरान मुस्लिम कंट्री, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? अफगानिस्तान शरई लॉ वहां पे है, वहां पे हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? ये सवाल, ये मतलब ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है, एक्चुअली इसका पाकिस्तान नहीं सोच रहा। एक और रीजन है, एक और रीजन है, ये एक सोशल आई थिंक एक सोशल जहनियत है पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानीज आर वेरी जजमेंटल, वेरी जजमेंटल, हर किसी को जज करते हैं। ये बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब भी कोई प्रैक्टिकल और सेन बात करने की, रैशनल बात करने की कोशिश करता है तो उसको लेबल दिया जाता है ना, जैसे कि लेबलिंग की जाती है कि भाई ये फंडेड है, ये इंडियन एजेंट है, ये वो, ये जज, दिस इज कॉल्ड बीइंग जजमेंटल। तो आप खुद को फिर डेमोक्रेसी क्यों बोलते हो? डेमोक्रेसी वो होती है, यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ यू नो आइडियाज। कुछ लोग होंगे जो इंडिया को सही समझते हैं, कुछ लोग होंगे जो इंडिया को गलत समझते हैं। एवरीथिंग शुड बी ओपन, बट इट शुड बी इन द लिमिट्स ऑफ कहते हैं ना, एक मैनर्स के साथ, यू नो, लाइक व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन। जब आपके फॉरेन मिनिस्टर ही जाके फॉरेन प्लेटफॉर्म्स में बोलते हैं बुचर ऑफ गुजरात, ये कोई तरीका है बात करने का? सो सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड, पाकिस्तानीज को ना एक सभ्यता सीखने की जरूरत है, ठीक है ना? आप लोग कहीं पे लॉस्ट हो चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप